श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 10 फरवरी संकट चतुर्थी व्रत है, शुक्रवार का दिन है, तो इस दिन हमने एक छोटा सा उपाय करना है। अगर आपके जीवन में कोई अचानक से संकट आ गया है, समस्या आ गया है, कोई कष्ट आ गया है, परेशानी आ गई है, यानी अचानक से ही कोई दुख ने आपको घेर लिया है, तो संकट चतुर्थी के दिन एक छोटा सा उपाय हमने करना है। मात्र आधे लोटे जल के साथ ये उपाय करेंगे। केवल एक बार ही ये उपाय करने से आपके जीवन की जो समस्या है उसका आपको समाधान मिल जाएगा। वो कष्ट आपका बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगा। जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। तो सरल सा उपाय है, उपाय अच्छे से समझिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर ये उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अच्छी लगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि बाकी लोग भी इस उपाय का लाभ उठा पाए। तो गुरु जी ने बताया है, इस उपाय को करने के लिए हमने लेनी है एक बेलपत्री। एक बेलपत्री साफ सुंदर सुंदर सी बेलपत्री आपने ले लेनी है। और लेना है आपने एक लोटा जल। अपने घर से ही एक पात्र लीजिए, चाहे तांबे का हो चाहे पीतल का हो, एक पात्र के अंदर अपने घर से ही आपने जल भर लेना है। पूरा जल जो है वो पात्र आप जल का भर लीजिए। उसके बाद जाना है आपको भोले बाबा के मंदिर में। जब भी आपको कोई समस्या पड़ जाए, जब भी अचानक से कोई संकट आ जाए, तभी आप इस उपाय को कर सकते हैं। भोले बाबा के मंदिर में जाएंगे, सबसे पहले तो आपने जो एक बेलपत्री लेकर गए हैं और एक लोटा जल लेकर गए हैं, आपने क्या करना है, आपके ऊपर जो भी कष्ट आया है, जो भी परेशानी आई है, उसके निवारण की प्रार्थना के साथ आपने सबसे पहले जो बेलपत्री है ये आपने, माता अशोक सुंदरी का स्थान है जो जलाधारी के बीच में मोटी सी लाइन होती है, ये शंकर भगवान की पुत्री माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले आपने एक बेलपत्री जो है वो समर्पित करनी है। और जो जल का पात्र लेकर गए हैं उसमें से जो आधा जल है, यानी आधा लोटा जो जल है वो आपने यहाँ पर समर्पित करना है और आधा लोटा जल आपने बचा लेना है। ध्यान रखिएगा, केवल आधा जल ही समर्पित करिए, आधा जल जो है आपने लोटे के अंदर बचा लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसी बेलपत्री को दोबारा से उठा लेना है और उठाने के बाद वो बेलपत्री आपने शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। और जो आधा लोटा जल आपके पास बचा है वो आपने फिर शिवलिंग के ऊपर वो जल समर्पित कर देना है। यहाँ से ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले बेलपत्री माता अशोक सुंदरी पे समर्पित करनी है, आधा लोटा जल समर्पित करना है, वही बेलपत्री उठा लेनी है और फिर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके आधा लोटा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। आपके ऊपर जो भी कष्ट आया है, परेशानी आई है, उसके निवारण के लिए भोले बाबा से, माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है। खुद देखेंगे, मात्र एक बार ही ये उपाय करेंगे तो जीवन के अंदर जो भी अचानक से कष्ट आया है, दुख आया है, उसका निवारण हो जाएगा। आपका दुख जो है वो कटने लगेगा। तो सरल सा उपाय है, अवश्य इस उपाय को पूरी श्रद्धा भावना रखते हुए उपाय को करिए और इसका लाभ हासिल करिए। कभी भी ये उपाय कर सकते हैं, कोई निश्चित समय नहीं है, कोई निश्चित दिन नहीं है। जब भी आपके ऊपर परेशानी हो, जब भी मन को अच्छा ना लगे, आप परेशानी महसूस करें, तो भोले बाबा से विनती कर आए, अवश्य उस समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको महाशिवरात्रि पर किए जाने वाले उपाय जो है वो लगातार इस चैनल पर बता रही हूँ। तो चैनल के साथ बने रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।